So guys, आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 days but as a zombie. So ये बहुत ज्यादा मजेदार और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होने वाला है क्योंकि जॉम्बी की जिंदगी मजाक नहीं होती यार. मतलब देखो, हमारा प्यारा सा प्लेयर सुबह की धूप में जॉम्बी के रूप में निकल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो निकला तो उसके तन बदन में ऐसी आग लगेगी कि मैं तो क्या स्वयं अग्नि देवता भी उसके आग को नहीं बुझा पाएंगे. और ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा, पूरा टेस्ट किया हुआ है. और इस वीडियो में हमारे तीन मेजर गोल्स भी होने वाले हैं. पहला ऑब्वियसली सर्वाइव करना, दूसरा एक बहुत ही बढ़िया बेस बनाना है, तीसरा पूरे दुनिया पे राज करना. सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज एज अ ज़ॉम्बी. सो डे 1 को मैं पेड़ की छांव में धरती माता के भाव में वुड काटने लगा, क्योंकि ज़ॉम्बी हो या कुछ भी वुड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वुड काटे, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड देन फाइनली एक वुडन पिकैक्स बना लिया, क्योंकि हमें जाना था माइनिंग. सो गाइस, आपको पता ही होगा हम लोग क्यों माइनिंग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह हो रही है और सुबह को हम लोग बाहर घूम नहीं सकते और रात को ही सिर्फ हम लोग घूम सकते हैं, तो माइनिंग करना बेस्ट होगा. सो फाइनली मैंने अपना वुडन पिकैक्स बना लिया, अपना क्राफ्टिंग टेबल भी ले लिया. और क्राफ्टिंग टेबल भूलना नहीं यार, क्राफ्टिंग टेबल के बिना जिंदगी नहीं है. एंड देन मैंने भगवान से एक दुआ मांगी और सीधा चला गया माइनिंग करने के लिए. और ये भगवान से दुआ मांगना बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि मैं खुद भूत हूँ और भगवान तो भगवान है, तो मेरे ऑपोजिट, मतलब तुम समझ रहे हो ना. सो उसके बाद मैं नीचे पहुंच गया और भर भर के कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए, जैसे कि मैं अपने कॉबलस्टोन के टूल्स फर्नेस और सब कुछ बना पाऊँ. मतलब मैंने इतने सारे कॉबलस्टोन माइन किए कि पूरा छेद कर दिया. एंड देन फाइनली मैंने अपने लिए एक बना लिया स्वॉर्ड, पिकैक्स, एक्स, शवल और बाकी सब कुछ. और हाँ, यहाँ पे जल्दी से जल्दी मुझे आयरन चाहिए थे, क्योंकि आयरन के हम लोग हेलमेट बना सकते हैं और हेलमेट पहन के हम लोग सुबह को भी घूम सकते हैं. सो इसी बात को सोच के मैं नीचे आ गया, एक फर्नेस बना लिया और चारकोल बनने के लिए दे दिए. और यहाँ पे जब तक चारकोल बन रहा था तब तक मैं थोड़ा बहुत वेट कर रहा था और अपने आप को देख रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था यार. मतलब मैं अब तक जॉम्बी को मारते हैं और अब मैं खुद जॉम्बी हूँ. सो जब तक मैं ये फालतू की चीज़ें सोच रहा था तब तक मेरा पूरा चारकोल जो वो स्मेल्ट हो चुका था. एंड देन मैंने फाइनली बहुत सारे टॉर्चेस बना लिए, अपना क्राफ्टिंग टेबल लिया और चला गया माइनिंग करने के लिए. और गाइस, ये आयरन हेलमेट वाली जो बात है उसमें भी एक ट्विस्ट है. अगर आप बाहर घूमते हो धूप में और अपना आयरन हेलमेट पहन के घूमते हो, तो ये आयरन हेलमेट 5 मिनट में अपने आप टूट जाएगा. मतलब देख रहे हो ज़ॉम्बी बन के कितना डिफिकल्ट होता है. सो उसके बाद हमें बहुत सारे आयरन मिल गए, तो मैंने बहुत सारे आयरन को कलेक्ट कर दिया. एंड देन मैंने फाइनली सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया. और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास एक भी फ्यूल नहीं, तो अपने वुडन पिकैक्स को शहीद होना पड़ा. तो मैं अंडरग्राउंड में ये सब काम कर रहा था और मुझे स्केलेटन की आवाज़ सुनाई थी, तो मैं दौड़ता तो ऊपर चला आया और मैंने क्या देखा भाई, फाइनली हो चुकी है रात, मतलब हम लोग घूम सकते हैं. तो मैं जल्दी से गया एक क्रीपर के पास और मुझे लगा कि पहले ये फूट देगा, लेकिन ये मेरे साथ दोस्त था, मतलब मैं और क्रीपर दोस्त. एंड देन बाकी मॉब्स को भी मैं हेलो बोलने गया. एंड एक मुझे स्केलेटन दिखा जो शायद मुझसे उतना खुश नहीं था, तो मैं उसको छोड़ के चला गया विलेज की तरफ. और अब गाइस बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि विलेज में रहते हैं विलेजर्स, और विलेजर्स किससे डरते हैं? ज़ॉम्बी से. लेकिन वेट, विलेज में तो आयरन गोलम भी रहता है. ओह शिट, मुझे बच कर आना पड़ेगा. सो कोई बात नहीं, मैं आयरन गोलम से बच जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना हंगर बात तो भरना पड़ेगा. तो मैंने सबसे पहले बहुत सारे हेबल्स कलेक्ट कर लिया एंड देन उसका बना लिया ब्रेड. सो फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड बना लिया, उसे खा के अपना हंगर बार फुल कर लिया. और अब मुझे ठीक लग रहा था, भले यहाँ पे कोई मॉब मुझे मार नहीं सकता, लेकिन आयरन गोलम का एक हिट मुझे स्वर्ग पहुँचा सकता है. लेकिन मैं तो ज़ॉम्बी हूँ, तो मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग या नर्क? वेट, मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ, मुझे तो मरना ही नहीं है. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग. आगे बढ़ते हैं, वो मैं थोड़ा निकल जाता हूँ इधर उधर. सो उसके बाद मैंने जितने आयरन कलेक्ट किए थे उसको मैंने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया. एंड सामने मुझे बहुत सारे हेबल्स दिख रहे थे, तो मैं चला गया उसे कलेक्ट करने के लिए. सो फाइनली अपना आयरन हो चुका था स्मेल्ट, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया. एंड देन फाइनली अपने लिए एक हेलमेट और एक पिकैक्स बना लिया. और अब मुझे अच्छा लग रहा था यार, क्योंकि मैं सुबह को भी अब घूम सकता हूँ. सो फाइनली मैंने एक पिकैक्स बना लिया और अब देखो भाई, मैं पहन लिया हूँ हेलमेट. ये बेचारा जॉम्बी मेरे पास जो है, मेरा भाई, वो मर जाएगा सुबह को, लेकिन मैं बच जाऊँगा. गाइस, क्या आपको पता है मैं अपने जॉम्बी भाई से कितना प्यार करता हूँ? इतना. सो मैं यहाँ पे अपने जॉम्बी भाई को मार रहा था, सामने मुझे दिख गया एक आयरन गोलम जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था. तो मैं उसके सामने गया डर डर के, लेकिन वो मुझे मारा नहीं, लेकिन मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना. सो उसके बाद मैं इधर उधर घूम रहा था और मुझे दिखा एक जलता हुआ स्केलेटन. बेचारा स्केलेटन धूप को भी नहीं सह सकता. अच्छा, ओ वेट, ये स्केलेटन तो बच गया. मैंने ये तरीका तो सोचा ही नहीं, लेकिन ये ज्यादा तक बचेगा नहीं. इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं रह सकता, एक स्केलेटन भी नहीं. सो बहुत सारे अच्छे काम करने के बाद मैं यहाँ पे आया और बहुत सारे हेबल्स कलेक्ट कर लिए. तो इससे भी मेरा भूख नहीं मिटा, मैंने बहुत सारे एनिमल्स को भी मार दिया. अब मैं लग रहा हूँ ना सही ज़ॉम्बी. एंड देन फाइनली बहुत सारे एनिमल्स को मारने के बाद और बहुत सारे घरों को लूटने के बाद अब टाइम आ चुका था अपने प्यारे से विलेज को अलविदा कहने का. मुझे पता है कि मेरे प्यारे विलेजर्स मुझे जाने नहीं देंगे, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा. बहुत ज़्यादा नौटंकी हो चुकी है, अब चलिए थोड़ा सीरियस बन जाते हैं. सो मैं इस बड़े से पहाड़ से नीचे उतर रहा था और मुझे दिखे एक बहुत बड़ा केव जहाँ पे मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं और इवन डायमंड मिल सकता है. तो मैं जल्दी जल्दी चला गया इस पानी के रास्ते इस केव के अंदर. और भाई मजाक नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने 100 TNT एक साथ फोड़ दी हो. मतलब तुम ही देखो यार, ये पूरा जगह यहाँ पे टूटा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक. लेकिन नीचे देखते ही मुझे मिल गया बहुत सारे आयरन, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे आयरन को कलेक्ट कर लिया. मतलब देख रहे हो, नीचे देख के भी चलना चाहिए कभी कभी.
एंड मैं यहाँ पे जब आयरन कलेक्ट कर रहा था तो मुझे पीछे से बहुत ज्यादा भद्दी आवाज आ रही थी और ये आवाज थी इस ग्लोइंग स्क्विड की, तो मैंने इसको मार दिया। एंड देन इस अच्छे काम को करने के बाद मैं चला गया थोड़े बहुत और माइनिंग करने के लिए। एंड माइनिंग करते करते मुझे थोड़े बहुत कोल भी मिल गया, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। तो गाइस मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा था और सडनली मेरा हेलमेट जो है वो टूट गया और आप देख सकते हो मैं जलने लगा। मतलब यार इसी की मैं बात कर रहा था, अभी मैं केव के अंदर हूँ इसलिए बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं गलती से बाहर होता तो मेरी तो मौत थी। सो ये डरावने एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड चला गया थोड़े बहुत और माइनिंग करने के लिए। एंड इस बार मैं क्या करूंगा पता है, इस बार मैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा हेलमेट बना के जाऊंगा कि जब भी मेरा हेलमेट टूट जाए मैं फट करके दूसरा पहन लूं। क्यों हो ना मैं बिल्कुल होशियार। चलो इसी बात पे लाइक कर दो। सो फाइनली मैं उस केव से निकल गया और उस केव में बहुत सारे आयरन थे, तो मैंने अपने लिए आयरन आर्मर और एक एक्स्ट्रा हेलमेट भी बना लिया। और अब मैं जा रहा था एक ऐसी जगह की तलाश में जहां पे मैं आराम से रह सकूं। सो बहुत देर तक जॉम्बी जैसे भटकने के बाद मुझे मिल गया फाइनली एक विलेज, और ये विलेज के विलेजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब ये मुझे देख के ही भाग जा रहे थे। सो मेरा खौफ देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया एंड देन फाइनली यहाँ पे जितने सारे सामान थे मैंने सबको कलेक्ट कर लिया। और मैं मुझे एक बात कन्फर्म हो गई, मतलब सारे विलेज के आयरन गोलम इतने ज़्यादा डरपोक हैं कि मुझे नहीं मार पा रहे, शायद उनको मेरे पावर का अंदाज़ा हो गया। चलो सही है। सो ये विलेज को भी मैंने लूटा, लेकिन ये विलेज भी उतना ज़्यादा खास नहीं था रहने लायक, तो मैं चला गया इस विलेज से भी दूर दूसरे विलेज की तलाश में। मतलब मैं बंजारे जैसा एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था। और एक दिन मुझे ऐसे ही भटकते भटकते मिल गया स्प्रूस का बायोम, और उस स्प्रूस के बायोम में इतने ज़्यादा स्प्रूस के ट्री थे कि आप तोड़ के ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो मैंने सबको कलेक्ट कर लिया। मतलब स्प्रूस के वुड मुझे अच्छे लगते हैं यार, सबसे बढ़िया वुड होते हैं बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ से मैंने स्प्रूस के ट्री तो कलेक्ट किए, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे सैपलिंग भी कलेक्ट कर लिए एंड थोड़े बहुत बेरीज भी कलेक्ट कर लिए, जैसे कि मैं अपने घर जाके उसको प्लांट कर पाऊँ। वैसे अभी तो मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा, टेंशन मत करो यार। सो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने बहुत सारे स्प्रूस के वुड कलेक्ट कर लिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास 4-5 स्टैक है, तो ये इनफ होंगे। और अब मैं चला गया दोबारा अपने घर के तलाश में, और इस बार फाइनल है, इस बार मैं अपना घर ढूंढ के पक्का रहूँगा। सो मैं ऐसे इधर उधर भटक रहा था और मेरा अचानक हेलमेट टूट गया, और भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया फिर से, तो मैं सामने वाले पानी में कूद गया और भाई अपने जान बचा लिया कैसे भी करके। मतलब 2 सेकंड जला कि नहीं, आप एक बार मेरे हेल्थ बार को देखो, मतलब देखो यार 4-8 मेरे ऐसे ही उड़ गए। और जैसे कि मेरे यहाँ पे सारे के सारे हेलमेट खत्म हो गए थे, तो मैंने अपने लिए एक हेलमेट बना लिया और एक शील्ड बना लिया, जैसे कि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। तो इसके बाद मैंने ऊपरी केव को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया एंड चला गया थोड़ा बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए। एंड देन फाइनली मुझे मिल गया एक विलेज, और ये विलेज को देख के मैं एक ही बार में कह सकता हूँ ये मेरा घर बनने वाला है। मतलब यार देखो रात के टाइम में कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा अपना विलेज, एकदम सुंदर सुंदर। सो उसके बाद मैंने एक जगह चूज़ किया एंड सारे अपने फालतू के सामान रख दिए जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं थे, एंड मैंने अपने लिए एक शेल्टर बना लिया, जैसे कि मैं आराम से खड़ा हो पाऊँ। मतलब अपने हेलमेट जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहे थे यार, मेरे पास आयरन है ही नहीं। और एंड अब टाइम था फाइनली अपने लिए एक बेस बनाने का जो कि बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है, तो उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया।
सो फाइनली मेरा घर बनके यहाँ पे रेडी था। अब कमेंट डाउन करके जरूर बताना आप इस घर को 10 में से कितना रेट देना चाहोगे। और वेट, अभी रेट मत करना, अभी तो मैं अच्छे से आपको एक बार घर दिखा दूँ। तो देखो सामने से अपना घर कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड साइड से भी आपको दिखा देता हूँ जो कि ऐसा लगता है। सो ये पूरा का पूरा घर स्प्रूस थीम में, और स्प्रूस थीम का घर मुझे अलग ही एकदम मजा आता है। एंड इस घर के साइड में मैंने बहुत सारे स्प्रूस ट्री भी प्लांट कर दिए जैसे कि मेरे पास स्प्रूस की कभी कमी ना हो, मतलब स्प्रूस ही स्प्रूस। सो मैं यहाँ पे अपने घर वापस आ रहा था, मुझे दिख गया एक स्केलेटन, और इस स्केलेटन मेरे परमिशन के बिना मेरे घर में था तो मैंने उसको मार दिया। तो चलिए मैं आपको घर अंदर से दिखा देता हूँ। तो अपना अंदर से घर कुछ ऐसा लगता है, इसमें 3 फ्लोर है और 2 बैल्कनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है। इस बैल्कनी से मैं अपना जंगल देख सकता हूँ, एंड दूसरे वाले बैल्कनी से मैं अपना विलेज देख सकता हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा ओपी लगा मुझे। और मैं एक बार आपको नीचे भी जाके दिखा देता हूँ अपना स्टोर रूम में, और स्टोर रूम अपना मतलब स्पेशल है, मतलब अपने स्टोर रूम में एक स्पेशल चीज़ है। तो देखो यार यहाँ पे अपने सारे फर्निचर, और यहाँ पे है मेरा चेस्ट और बाकी सब कुछ। सो गाइस ये डिज़ाइन हमने खुद से बनाया, आप बताना कैसा लगा। मतलब बैरल से मैंने यहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा था तो थोड़ा डेकोरेट करने का कोशिश किया। और यहाँ पे मेरे सारे चेस्ट है, और चेस्ट में बहुत सारे सामान रखता हूँ जैसे कि मेरे सारे प्रीशियस चीज़, खाने और सब कुछ। सो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी बहुत खाने की कमी हो रही थी तो मैंने सारे हेबल्स को ले लिया, एंड बहुत सारे यहाँ पे ब्रेड बना लिए। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था अपना बैल्कनी का, क्योंकि अपने बैल्कनी में मैंने फेंस लगाना ही भूल गया। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स ले लिए, एंड देन मैंने सारे फेंस को यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड यस अब ऑफिशियली अपना घर हो चुका है कम्प्लीट। सो इसके बाद मुझे जाना था थोड़े बहुत माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत आयरन की कमी थी, और मुझे बहुत सारे हेलमेट भी चाहिए थे, और हाँ डायमंड को कैसे भूल सकते हैं, मुझे बहुत सारे डायमंड भी चाहिए थे। तो मैं चला गया सीधा माइनिंग करने के लिए, और मैं यहाँ पे थोड़े बहुत केव ढूंढ रहा था क्योंकि 1.18 में बहुत बड़े बड़े केव होते हैं। एंड सामने मुझे एक बहुत बड़ा केव दिख गया, तो मैं चला गया उस केव के अंदर। और मैं मतलब क्या बताऊँ, इस केव को मैं एक्सप्लोर करते करते थक गया, लेकिन ये केव खत्म नहीं हुआ। एंड ऑब्वियसली मुझे इस केव में बहुत सारे और मिल गए जैसे कि आयरन और कोल, डायमंड नहीं मिलने वाला भाई, अपना किस्मत उतना भी अच्छा नहीं है। और हाँ इस केव में मुझे अपने बहुत सारे भाई बंधु भी दिख गए, तो मैंने उससे भी हेलो हाय कर दिया। और हाँ यहाँ पे बहुत सारे ड्रिपस्टोन भी थे, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्रिपस्टोन भी कलेक्ट कर लिए। एंड मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मुझे एक एमरल्ड और भी दिख गया। सो भाई यहाँ पे हमारा किस्मत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो मैंने अपना एमरल्ड और कलेक्ट किया, एंड देन चला गया और थोड़ा बहुत माइनिंग करने के लिए। सो सामने यहाँ पे मैं माइनिंग कर रहा था, और मुझे दिख गया एक माइन शाफ्ट, और कौन से ज़ॉम्बी को माइन शाफ्ट पसंद नहीं होता, तो मैं चला गया डायरेक्ट माइन शाफ्ट में माइनिंग करने के लिए। और जब मैं माइनिंग कर रहा था तो मुझे दिख गया एक चेस्ट, तो मैंने सारे सामान को चेस्ट से ले लिया। एंड देन सारे सामान को कलेक्ट करने के बाद मुझे एक स्पाइडर स्पॉन भी मिल गया, लेकिन मुझे बिल्कुल पंगा नहीं लेना था, तो मैं सुमड़ी से एकदम चुपचाप निकल गया। एंड देन मैं नीचे जा ही रहा था कि मुझे क्या दिख गया, एक डायमंड। तो मैंने उस डायमंड को कलेक्ट किया, एंड सच में एक डायमंड था, मतलब एक से ज़्यादा था ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, एक तो एक ही सही, बूंद बूंद से सागर बनता है, हम लोग ऐसे एक एक कलेक्ट करके अपना आर्मर बना देंगे। एंड गेस व्हाट, मुझे लग रहा था यहाँ पे एक डायमंड है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 2 डायमंड थे। एंड थोड़ी देर के बाद मुझे 3 डायमंड और मिल गए, मतलब ऐसा हो रहा था कि डायमंड की बारिश हो रही थी। तो मैंने सारे डायमंड को जल्दी से कलेक्ट कर लिया। सो फाइनली अपने बहुत लंबे माइनिंग ट्रिप के बाद मैं फाइनली घर वापस आ गया, एंड घर जाने के बाद मैंने सारे आयरन और गोल्ड को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया, और मैंने अपने लिए एक डायमंड पिकैक्स और एक हेलमेट भी बना लिया। हेलमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपना आयरन हेलमेट 5 मिनट में खत्म हो जा रहा था। सो मैंने उसके बाद अपने सारे बाकी डायमंड को रख दिया, क्योंकि वो डायमंड हमें एन्चेंटमेंट टेबल के भी काम आने वाले हैं। तो उसके बाद मैंने अपना हेलमेट उतारा, एंड देन डायमंड का हेलमेट पहन लिया, और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा कूल लग रहा हूँ ना। एंड देन थोड़ी देर के बाद सारे आयरन स्मेल्ट हो गए, एंड सारे आयरन को मैं कलेक्ट कर लिया जैसे कि हमारे लेवल्स बढ़ जाए, क्योंकि हमें एन्चेंटमेंट भी करनी है ना भाई। और मैंने तो सोच लिया था एन्चेंटमेंट करने के समय सबसे पहले मैं अनब्रेकिंग 3 लेने वाला हूँ अपने हेलमेट पे। और हाँ जाते जाते मैंने अपने लिए एक एक्स्ट्रा आयरन का हेलमेट बना लिया जैसे कि वो बाद में हमें काम आ जाए। एंड सो मैंने बाकी सारे आयरन को अपने चेस्ट में रख दिया। तो देखो गाइस अपने विलेजर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपने को देख के भागने लगते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और देख के सलाम मारते हैं, तो उनके लिए कुछ करना था। तो बहुत देर सोचने के बाद मुझे लगा कि इस विलेज को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये विलेज बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा था, कई भी घर थे कई भी रास्ते थे। तो मैंने अपने विलेज को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके लिए चाहिए था मुझे बहुत सारे वुड, तो मैं चला गया सामने वुड काटने के लिए। सो मैं यहाँ पे बहुत सारे वुड काट के लाया, साथ ही में बहुत सारे सैपलिंग भी लाए, क्योंकि अपने यहाँ पे एक भी ट्री नहीं है, मतलब भाई इतना बड़ा जगह में एक भी ट्री नहीं था, मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा ट्री के लिए। एंड अब सारे सैपलिंग प्लेस करने के बाद मुझे चाहिए था थोड़ा बहुत स्प्रूस का लॉक, तो मैंने अपने बड़े स्प्रूस के ट्री को भी काट दिया। एंड अब फाइनली आप देख सकते हो अपने पास कितने सारे सामान है, तो इतने सारे सामान के साथ मैंने अपने विलेज को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया।
तो मेरा यहाँ पे प्लान ये है कि मैं अपने विलेज को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लूँ, और यहाँ पे जो घर है उसको मैं डेकोरेट करने का भी नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरे पास उतने स्प्रूस वुड भी नहीं है। अभी के लिए मैं थोड़ा रास्ते को डेकोरेट करूँगा एंड थोड़े बहुत फार्म्स बना दूंगा। तो यहाँ पे बस एक घर था जो कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिख रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देने का, एंड बाकी सारे घर ठीक ठाक से थे तो उनको मैं मॉडिफाई नहीं करने वाला हूँ। तो अपना भद्दा सा विलेज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर बन गया अपना सुंदर सा विलेज। और चलिए आपको मैं एक बार सुंदर से विलेज के सफर में लेके चलता हूँ। तो ये अपना गेट जहाँ से अपना सुंदर सा विलेज का शुरुआत होता है, यहाँ से आप जा सकते हो और सामने आपको दिख जाएगा बहुत बड़ा रास्ता, एंड आप देख सकते हो कि इस रास्ते हमारे ख़त्म होते ही नहीं है, होते ही नहीं होते ही, मतलब चलते जाते हैं। तो यहाँ पे रास्ते के एंड में हमारे था एक बहुत ही बड़ा गेट जहाँ से अपने विलेजेस आ जा सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गेट भी है, और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्क टाइप का, क्योंकि ये विलेजेस एक जगह पे घूम घूम के ख़त्म हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, तो ये पार्क में वो आ सकते हैं। एंड ये अपना विलेज का एंट्री जहाँ से सारे अपने बंजारे इस विलेज में एंट्री कर सकते हैं, और ये अपना बहुत बड़ा फार्म। अब देखो इस विलेज में रहते हैं बहुत सारे विलेजर्स और उनको चाहिए खाना, और ये खाना आता अपने इस मेगा फार्म से। और अब ज़रूर सोच रहे होगे ये फार्म तो है लेकिन इसमें सीड कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे सीड प्लेस किए हैं, मेरे पास सीड खत्म हो गए थे तो मैं प्लेस नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ये बड़ा हो जाए मैं पूरे फार्म को सीड से भर दूंगा। और यस, मैं आपको ये दिखाना कैसे भूल सकता हूँ, तो ये अपना कस्टमेबल घर जिसको मैंने कस्टमाइज़ किया, बाकी घरों को मैं कस्टमाइज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, उसको हम लोग फ्यूचर में ज़रूर कस्टमाइज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस घर को किया है और ये घर बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। सो गाइज, यहाँ पे अपना विलेज का काम हो चुका था रेडी, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत अपना विलेज फीका लग रहा था, मतलब अपने फार्म के पास बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, सन्नाटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये देखो सारे मटेरियल, अब चलिए बनाते कुछ ओपी सा चीज़। पिज़्ज़ा बिल्ड हो चुका है रेडी, और इस बिल्ड में एक थीम है, यहाँ पे अपना गेहूं रहता है और वहाँ पे अपना सारा अनाज रहता है और सब सॉर्टेड है। तो ये आप कमेंट डाउन करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। सो ये भी अपना हो चुका था कंप्लीट, और विलेज का काम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका था कंप्लीट। अब हमें जाना था थोड़ा बहुत माइनिंग करने के लिए, क्योंकि चाहिए था हमें थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन, तो मैं डायरेक्टली चला गया माइनिंग करने के लिए। एंड यस, मैं उसी गहरे से केव में चला गया जहाँ पे मैं पहले गया था, क्योंकि वो केव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड देन मुझे लकीली एक डायमंड मिल गया, एंड देन थोड़ी देर के बाद और एक डायमंड मिल गया, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया, एंड देन बहुत सारा ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिए। सो यो गाइज, आई एम बैक विथ 15 ऑब्सीडियन जो कि इनफ होंगे अपने नेदर पोर्टल एंड इंचैनमेंट टेबल बनाने को। तो मैं जल्दी से जल्दी गया एंड फाइनली एक नेदर पोर्टल बना लिया। एंड अब टाइम था अपने नेदर पोर्टल को लाइट अप करने का, तो मैंने लाइट अप कर लिया अपने नेदर पोर्टल को, एंड देन चला गया थोड़े बहुत गोल्डन बूट्स बनाने के लिए, एंड देन फाइनली सब कुछ रेडी होने के बाद मैं चला गया नेदर में। अब गाइस एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे नेदर थोड़ा बहुत सुरक्षित था क्योंकि ज़ॉम्बी से किसी को पंगा नहीं यहाँ पे नेदर में, तो मैं आराम से घूम सकता था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कॉर्ड्स कलेक्ट किए, एंड देन चला गया मैं यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में। एंड देन थोड़ी देर के बाद
बहुत ज़्यादा लकीली मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी गया। एंड देन नेदर फोर्ट्रेस में मैंने थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन की, लेकिन एक भी यहाँ पे चेस्ट नहीं था, बस एक मुझे ब्लेस स्पॉनर दिखा था और ब्लेस स्पॉनर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मारना, और कैसे भी करके मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लेस कलेक्ट कर लिए। सो बहुत मुश्किलों के बाद 5-6 ब्लेजेस मारने के बाद मैंने यहाँ पे 5 ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। सो अब टाइम था अपने घर वापस जाने का। मुझे नेदर वॉट तो नहीं मिले, लेकिन वो मुझे चाहिए भी नहीं है अभी के लिए। एंड देन मैं फाइनली घर आ गया एंड अपने लिए थोड़े बहुत ब्रेड बना लिए एंड फाइनली बना लिया अपने लिए एक इंचैंटमेंट टेबल। अब मैं आराम से इंचैंट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने इंचैंटमेंट टेबल को रख देता हूँ। ओ वेट, मेरे पास तो बुक शेल्फ ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग बुक शेल्फ भी फ्यूचर में ले लेंगे। अभी के लिए जो इंचैंटमेंट मिलते हैं उसी से खुश होना पड़ेगा। सो अभी के लिए मुझे जो इंचैंटमेंट मिला मैंने वो ले लिया एंड अब चाहिए था मुझे थोड़ा लेवल का जुगाड़, क्योंकि मैं बार बार तो नेदर नहीं जा सकता ना। तो अब मेरा प्लान था एक एक्सपी फार्म बनाने का, जिससे मुझे इन्फिनाइट एक्सपी मिल सकता है। एंड आप देख सकते हो बहुत देर तक मैंने यहाँ पे जुगाड़ किया एंड देन फाइनली मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स एंड बहुत कुछ आ गया एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो मैंने अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं फाइनली अपना जायंट एक्सपी फार्म बन के यहाँ पे रेडी हो चुका था, जो हमें बहुत सारे एक्सपी देख सकता है। लेकिन वेट, यहाँ पे मैं गया एक्सपी फार्म के पास और एक भी मॉब नहीं थे। शायद यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। सो फाइनली यहाँ पे अपने 50 डेज हो चुके थे कंप्लीट एज अ ज़ॉम्बी, और ये खेल के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ये सब वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, ये सब भी बहुत ज़्यादा ओपी हैं।